24 again, very easy question. What is the difference in colors of the sun observed during sunrise, sunset and noon? ठीक है, sunrise या sunset के time, ये तो आपने daily generally देखा भी है. Sunrise या sunset के time आपको sun का color कैसा दिखाई पड़ता है? Reddish, yellowish, reddish, orange जैसा. ठीक है, तो reddish color दिखाई पड़ता है. क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि देखिए बच्चों, ये देखिए sunrise, ये morning के 6 am है, ठीक है, सुबह के 6 बजे, और ये शाम के मान लीजिए 6 बजे हैं. ठीक है, ये sunset हो रहा है. तो जब सनराइज या सनसेट होता है, और ये हमारी आईज है, यहाँ पे हम ऑब्जर्वर हैं, हम देख रहे हैं, तो उस टाइम जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, ठीक है, तो उस टाइम देखिए, ये देखिए, सनराइज को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है. सन कहाँ होता है? सन एट द होराइजन. सन कहाँ होता है? होराइजन पे, या होराइजन, जो भी आप इसको प्रिंशिएट करना चाहते हो. तो ये डिस्टेंस ज़्यादा, और नून के टाइम हमारे ओवरहेड पे होता है सन, तो ये डिस्टेंस देखिए कम है. अब जब ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है क्या? विब ग्योर, जी वाई ओ आर, ठीक है, विब ग्योर. यहाँ आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो वेवलेंथ क्या होता है? छोटा होता जाता है. ठीक है, तो वेवलेंथ देखिए छोटा होता जाएगा. ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ कम होता जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा? ये रेडिश वाले पार्ट का सबसे बड़ा जिसका वेवलेंथ होगा वो लेस स्कैटर्ड होगा, और वेवलेंथ ब्लू कंपोनेंट का कम होता है तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा. तो जब देखिए ना, ये ज़्यादा डिस्टेंस जब ट्रेवल करना पड़ेगा लाइट को, लाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं? व्हाइट लाइट में कलर के कितने कंपोनेंट होते हैं? 7 कंपोनेंट. तो उन 7 कंपोनेंट्स में से ये जो ब्लूइश वाला रीजन है, ठीक है, ये जो ब्लूइश वाला रीजन है, इसका वेवलेंथ कम होता है. तो ये जो एयर में या एटमॉस्फेयर में जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जिनका साइज लगभग ब्लू कलर के वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, तो उससे इंट्रैक्ट करके स्कैटर्ड हो जाते हैं रास्ते में. तो ब्लू कलर तो रास्ते में, देखिए हमने लिखा है, बहुत छोटा छोटा जगह नहीं मेरे पास. मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे, तो ब्लू पोर्शन स्कैटर्ड हो गया रास्ते में और हम तक क्या पहुंचा? हमारी आइज तक, रेड कलर. ठीक है, इसी तरीके से होराइजन पे जब सन होता है तब भी यही कहानी होती है. यहाँ से लाइट रेज आती है, ये लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और नून पे, नून के टाइम देखिए ये शॉर्टर डिस्टेंस है ये वाला. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर लाइट क्या हो जाएगा? स्कैटर्ड हो जाएगा. तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका? ये लार्जर डिस्टेंस है, और इसीलिए हमने लिखा है कि मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे. अब इस डिस्टेंस को देखिए, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कैसा है? तो एग्जाम में हम यहाँ लिखेंगे शॉर्टर डिस्टेंस, और जब ये शॉर्टर डिस्टेंस है तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर लाइट को कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है. ठीक है, तो ब्लू लाइट वाला जो कंपोनेंट है वो स्कैटर्ड होगा, लेकिन इतना ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होगा, क्योंकि लाइट हमको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. भाई खुद दिमाग लगाइए ना, लाइट जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ज़्यादा वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंट्रैक्ट होगी और स्कैटर्ड हो जाएंगे उसके ब्लू कॉम्पोनेंट. तो जब लाइट को शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, जब नून पे सन हमारे ओवरहेड पे होता है, ठीक है, हमारे सर के जस्ट ऊपर होता है, तो वो डिस्टेंस कैसा होता है? स्मॉलर, रादर देन कि सन जब कहाँ होता है? होराइजन पे, सनराइज और सनसेट के टाइम. ठीक है, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस जब ट्रेवल करना पड़ेगा तो स्कैटरिंग भी ब्लू पोर्शन की कम से कम होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं हाँ ब्लू कलर की स्कैटरिंग तो हुई होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्लू कंपोनेंट जो है, ब्लूइश कंपोनेंट, वो अभी भी व्हाइट लाइट में मौजूद है. ठीक है, और रेडिश वाला जो है बच्चों कंपोनेंट, उसका तो वेवलेंथ बड़ा है, उसका तो वेवलेंथ लार्जर है, वो तो स्कैटर्ड होगा नहीं. तो रेड वाला भी पहुंचा और ब्लूइश वाला भी पहुंचा, तो जब सातों कलर पहुंच रहे हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होता है? व्हाइट. तो हमको सन कैसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पे? नून पे कैसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर? व्हाइट. ठीक है, और सनराइज और सनसेट के टाइम कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? रेडिश दिखाई पड़ेगा या रेड दिखाई पड़ेगा. कोई डाउट है बताइए. तो मेन फंडा बच्चों यहाँ पर क्या था? मेन फंडा था हमें रेड कलर के वेवलेंथ के बारे में बताना है क्वेश्चन में, कि हाँ भाई उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए जब सन होराइजन पे होता है सनराइज सनसेट के टाइम, तो उसका स्कैटरिंग कम से कम होता है. किसका? रेड कलर वाले पोर्शन का. और ब्लू कलर वाले पोर्शन का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा. तो ब्लू कलर रास्ते में खो जाता है, इधर रेड आप तक पहुँचता है, बस नहीं, इसलिए हमें रेडिश दिखाई पड़ता है. अब इस आंसर को हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट द सन लुक्स रेडिश बिकॉज एट दिस स्टेज रेज फ्रॉम द सन एज हैव टू ट्रेवल मच लार्जर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर. ठीक है ना, द रेड कलर्स हैविंग लार्जेस्ट वेवलेंथ स्कैटर्ड द लीस्ट. ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ कैसी होती है? सबसे ज्यादा, इसलिए वो लीस्ट मतलब सबसे मिनिमम, सबसे कम से कम उसकी स्कैटरिंग होगी. फिर हमने बताया एट नून, नून के टाइम क्या होता है? द सन इज नियरली ओवरहेड, द सन लाइट हैज टू पास थ्रू मच स्मॉलर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर. ठीक है, तो नून के टाइम जो सनलाइट होती है उसको कम से कम एटमॉस्फेयर के पोर्शन को पार करना होता है, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो उसका जो इंट्रैक्शन होगा एयर मॉलिक्यूल्स के साथ या टाइनी पार्टिकल्स के साथ वो कम से कम होगा. ठीक है, तो द स्कैटरिंग इज मच लेस कौन से टाइम पे? नून के टाइम पे द स्कैटरिंग इज मच लेस. और ब्रैकेट में आपको लिखना है ये जो हमने बता दिया भाई, द स्कैटरिंग इज मच लेस, ये हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि भाई ब्लू कलर वाले पोर्शन का स्कैटरिंग तो हुआ होगा, बट
ऑलमोस्ट ऑल द कलर कॉम्पोनेंट इन द राइट प्रपोर्शन. अभी भी ब्लू कलर का बहुत कम स्कैटरिंग हुआ है और लगभग सभी जो सातों कलर के जो कलर लाइट के जो कलर कॉम्पोनेंट है सेवन कलर कॉम्पोनेंट वो अभी राइट प्रपोर्शन में ठीक है प्रॉपर प्रपोर्शन में अवेलेबल है. तो जो हमारी आइज तक पहुंचेगा तो हमें व्हाइट ही दिखाई पड़ेगा. ठीक है तो यही बात हमने यहाँ लिखी ब्रैकेट में ऑलमोस्ट ऑल कलर कॉम्पोनेंट इन द राइट प्रपोर्शन हेंस द स्काई लुक्स व्हाइट. ओके तो ये बच्चों बेस्ट आंसर मैंने देने की कोशिश करी हुई है. अगर आपको अपने मन से लिखना है तो आप मन से लिख सकते हैं. तो करना क्या है एग्जाम में ये फटाफट ऐसा एक डायग्राम बना देना है आपको वहां पर और जो भी आपको समझ में आता है वो आपको लिख देना है. बट एक बात लिखना नहीं भूलिएगा क्या कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है इसलिए वो बहुत ही लार्जर डिस्टेंस आराम से ट्रेवल कर लेगा. कम से कम वो स्कैटर्ड होगा. ठीक है बात समझ में या स्कैटर्ड नहीं होगा या लीस्ट स्कैटर होगा तो ये बात आपको लिखना